हरिद्वार से कांवड़ ला रही महिला भोली को अज्ञात पिकअप ने रौंदा मौत। घटना के एक घंटे बाद भी नहीं पहुंची पुलिस, कांवड़ियों में आक्रोश, लगाया जाम। रामपुर बाजपुर मार्ग समोदिया के अड्डे पर पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार पिकअप कार ने महिला भोली सीमा को रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र के ग्राम खेड़ा समोदिया में रहने वाले कुमार सेन और उनकी पत्नी सीमा दोनों ही हरिद्वार से कांवड़ियों की टोली के साथ कांवड़ ला रहे थे। बीती रात थाना स्वार क्षेत्र के समोदिया अड्डे पर पेट्रोल पंप के नजदीक हरिद्वार से कांवड़ ला रही टोली ने विश्राम किया और सुबह भोली सीमा स्नान करने जा रही थी कि रामपुर की ओर से आ रहे तेज पिकअप कार ने सीमा को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां पर मौजूद लोगों ने और टोली में कांवड़ ला रहे भोलों ने 100 नंबर को फोन किया, लेकिन एक घंटे बाद तक पुलिस वहां नहीं पहुंची। कांवड़ ला रहे भोलों का आरोप है कि पुलिस काफी समय के बाद आई, गुस्साए लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो किसी तरह से कांवड़ियों को शांत कराया और जाम को खुलवाया। घटना स्थल से पिकअप चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। महिला भोली की मौत से कांवड़ियों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। हरिद्वार से आ रहे थे और यहाँ पर विश्राम करने के लिए विश्राम करा था हमने। कहाँ पे करा था विश्राम? यहाँ पे विश्राम करने के लिए आए थे, समोदिया पेट्रोल पंप है जी। उसके बाद आए स्नान करने के लिए गए थे और वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। किधर से आई थी? ठीक है, इधर से आई थी, रामपुर साइड से आई है। और पुलिस मौके पर नहीं थी सर, डेढ़ घंटे बाद आई थी। तो इसमें कि यहाँ ठहरे हुए थे, जा रहे थे, ठहरे हुए थे, रात स्नान करने के लिए जा रहे थे, रोड क्रॉस करके तो पिकअप में टक्कर मार के। हाँ, एक कम से कम पिकअप चल रही थी 110-120 के आसपास स्पीड थी उसकी। और पिकअप आई थी रामपुर से सवार को गई है, तभी हमने 100 नंबर को फ़ोन करा था, मुश्किल से ही निकली थी। 100 नंबर वाले फोन किया था, हमारा गाड़ी उड़ी थी नहीं, और 100 नंबर को फोन करा, गाड़ी आ रही है पिकअप, उसे रोक लो, टक्कर मार दे रही है, तो भी उसने पकड़ा नहीं 100 नंबर वालों ने। अपना नाम क्या? राजेश कुमार। आप जल्दी कर रहे थे? हम भी जल्दी लेकर आ रहे थे, चुनौती आ गई।